हिमाचल प्रदेश में कुल्लू उपायुक्त ने प्रदेश में बादल फटने पर बताया कि रात को विभिन्न जगहों पर बादल फटने की घटना हुई। सबसे ज्यादा नुकसान निर्मंड क्षेत्र में हुआ है। बागीपुर में पीडब्ल्यूडी के दो पुल बह गए। श्रीखंड महादेव यात्रा के बेस कैंप के पास भी बादल फटा, वहां 8 से 9 घर बह गए हैं। तलाशी अभियान जारी है। एक CISF टीम, एक होमगार्ड की टीम तलाशी कर रही है। SDRF की टीम मौके पर मौजूद है और राहत और बचाव कार्य भी जारी है। लोगों को बचाने के लिए NDRF की टीम को भी भेज दिया गया है। 7 लोग बागीपुर में और 3 लोग समेज में लापता है। 8 से 9 घर बह गए हैं। अब तक वहां किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रात को जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो मल्टीपल लोकेशंस में हुई, तो सबसे ज्यादा जो हमारा नुकसान है वो निर्मल ब्लॉक में हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बागी पुल के आसपास PWD का जो पुल था एग्जिस्टिंग नया, वो दोनों बह गए हैं। और ये सिंघार जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है उसके पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 8 से 9 घर भी बह गए उस लोकेशन पे और 7 पीपल आर मिसिंग। 5 जो लोकल्स थे, 2 वहाँ पे नेपाली ओरिजिन के लोग थे, इनके लिए सर्च जारी है। अभी एक CISF की टीम और साथ ही साथ एक हमारी होमगार्ड की QRT वहाँ लगी हुई है उनको सर्च में। जो हमारे श्रीखंड यात्रा क्योंकि अभी क्लोज हुई थी 30th के बाद, और उसमें कुछ लोग जो अभी वापस आ रहे थे या कुछ ऑफिशियल्स वगैरह, वो एरिया भी सेफ है और जाऊँ तक एरिया उनको होल्ड किया जाएगा अभी। साथ ही साथ SDRF की 2 टीम्स वहाँ डिप्लॉयड है, जो कोई भी इमरजेंसी अगर सिचुएशन आती है उसे हैंडल करने के लिए पहले इक्विप्ड है। ABB मास की टीम भी एक वहाँ पे है। इसके साथ साथ निर्मंड में ही जो समेज विलेज है जो शिमला को ज्वाइन करता है, वहाँ पे भी 3 से 4 घरों का नुकसान है और 3 लोग भी मिसिंग है। उसमें से 2 शिमला साइड पे गए हुए थे, एक यहाँ पे थे, तो 3 लोग वहाँ के ओरिजिन पे मिसिंग। इसके साथ साथ हमारा मनाली साइड पे जो हाईवे है उसको डैमेज हो गया है, NH हाईवे को, एट मल्टीपल लोकेशन बिंदु ठाक पे और साथ ही साथ रायसेन शिरड़ का पॉइंट 17 माइल, इन लोकेशन पे ज्यादा डैमेज है। और NHAI से हमने रिक्वेस्ट किया कि जल्दी से जल्दी इसके रेस्टोरेशन का काम किया जाए।